नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हर किसी को पता नहीं होते, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक अलग फील्ड है जो डॉक्टर्स तो जानते हैं लेकिन नॉर्मल या प्रेग्नेंट महिलाओं को यह पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी की वास्तव में शुरुआत कब होती है। सही वो पॉइंट कौन सा होता है जब हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी शुरू हुई है। पहला, प्रेगनेंसी शुरू होने का पॉइंट कहाँ से माना जाता है। तो जैसा कि आम लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता या पहला महीने का जो पहला दिन माना जाता है, जिस दिन प्रेगनेंसी की शुरुआत मानी जाती है, वो वास्तव में आपके जो लास्ट पीरियड का पहला दिन होता है वो होता है। वहाँ से प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन होना शुरू होता है। इस हिसाब से प्रेगनेंसी वास्तव में 10 महीने की होती है, लेकिन 9 महीने आपको बोला जाता है। और आप लोग भी यही जानते हैं कि प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, लेकिन वास्तव में प्रेगनेंसी का जो पहला पॉइंट होता है वो आपके लास्ट पीरियड का पहला दिन होता है। इसके मतलब या इसके हिसाब से जब आप 2 वीक की प्रेग्नेंट होती हैं तब एक्चुअली या वास्तव में प्रेग्नेंट नहीं होती, तब आपकी बॉडी ओवुलेशन के लिए खुद को तैयार कर रही होती है। 2 हफ्तों बाद ओवुलेशन के दौरान एग बाहर निकलता है और 24 घंटों में यदि शुक्राणु उपलब्ध हो तो उससे मिलन करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद 1 हफ्ता फैलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए अंडा जो यूट्रस की दीवारों में इम्प्लांट होता है, तब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखाई देती है। ये होते हैं प्रेगनेंसी के शुरू के 3 हफ्ते यानी कि 3 वीक्स। तो बहनों, शायद आपको समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी की शुरुआत कब होती है, पहले हफ्ते या पहले महीने की शुरुआत कब होती है और कौन सा पॉइंट या बिंदु होता है जब आप ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कुल मिलाकर जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ 9 महीने की होती है, तो आपको बता दिया जाता है कि डिलीवरी या ड्यू डेट कब की है और 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस 10 महीनों का होता है। शायद ये जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।